नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बॉम्बे मार्केट फुलवारी सूर्यनारायण में नवरात्रि के सप्तमी के रात सुप्रसिद्ध भजन गायक दिलीप सड़ंगी ने दिया अपना प्रस्तुति। यूं तो धर्म एवं अध्यात्म की नगरी में सभी धार्मिक कार्य बड़ी भावभक्ति के साथ सफल होती है। पूरे भारतवर्ष में शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा जी की पूजा अर्चना चल रही है। शारदीय नवरात्रि में भी सूर्यनारायण में धूम मची है। जगह जगह अनेकों विविध आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में बॉम्बे मार्केट फुलवारी में विराजित माता रानी की सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा नवरात्र के सातवें दिन छत्तीसगढ़ के जाने माने कलाकार जसकी सम्राट गायक दिलीप सड़ंगी जी की टीम द्वारा संगीत में प्रस्तुति दी गई। इस दौरान आयोजन समिति सहित सभी श्रद्धालु झूम उठे। सड़ंगी जी ने एक से एक गीत गायन पेश किया, जिसमें लोट मारे वो सबरी द्वारे, जावे लोट मारे, मेहंदी के मारुति हाथ ध्वजा लहरावे, लक्ष्मणेश्वर डमरू बजावे, चंदवा बहेगा आमा पान के पत्री, तोर खेले दुलरवा रणभना रणभना वो, मोर पत्थरा के देवता बोलत नहीं है वो, जैसे अनेकों गीत की प्रस्तुति देकर जनमानस को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान एक नई बात पता चला कि दिलीप सड़ंगी बताया कि यह जो साई की आपने जीवन झांकी जो देखी, इनकी विशेष खूबी है कि ये 16 घंटे तक आप जैसे रखना चाहे वह वैसे रह सकता है। और यही हमारी साई जी के रोल प्ले अदा करते हैं और भक्ति के गीत में सभी साई भक्त जो हैं झूम उठते हैं। वही मीडिया को जानकारी देते हैं, सूर्यनारायण से मेरा एक अलग ही चुनाव में अपना तूफान है और यहाँ के जो नागरिक हैं मुझे सदैव आमंत्रित करते ही रहते हैं। और इसी कड़ी में मैंने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इसमें आयोजक समिति ने जो व्यवस्था प्रदान की, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अब बहुत जल्द राम और सबरी पर आधारित एक नए गीत लेकर मैं आऊँगा। इस दौरान समिति के प्रमुख सदस्य के द्वारा सभी श्रद्धालु, जनमानस, पुलिस प्रशासन, मीडिया और सभी लोगों की आभार प्रकट किए। छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ गौरव राय सागर की रिपोर्ट। मैं तो अभी आज पर छठवां कार्यक्रम रही और छठवां कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा अब जनता जनार्दन तो हर जगह आनंद अनुभूति प्राप्त करी, लेकिन सही बोला तू जो सबसे ज़्यादा आत्मिक खुदला जो आनंद अनुभूति हुई वो सबरी के धाम शिविर नारायण में हुई। और खासकर लयिका मन जती हैं ड्रेस में हैं यमन के प्यार और उनके अविस्मरणीय भुलाए नहीं सके सकूँ मैं, और मुला मुकना शब्द नहीं है मैं व्यक्त नहीं कर सकूँ। इंग्लिश में आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई जो है बट इट्स फेलो जो इमन में जो प्रेम और जो माई के प्रति जो श्रद्धा भक्ति की भावना है मैं माँ ने प्रार्थना कर रखा मन की कोई भी मनोकामना हो तो शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और मीडिया के भी मैं हृदय से धन्यवाद देवत हूँ जिन मीडिया के कारण ही आज हम आगे बढ़ाए। और कलाकार ने ज़्यादा ये पत्रकार और मीडिया वाले के हाथ होते हैं, इमन कलाकार ने जितनी चाहते हैं उतनी उठाते हैं, तो एमन के भी मोर पर जो आशीर्वाद है वो कर पर मैं मीडिया के और पत्रकार मंत्री को हृदय ले आभार करता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वही सर पुराना समय, अब जैसे आदेश माई करी जैसे आदेश भाई मन करी जरूर करबो। और बहुत दिन हो गए तो सही बात बोला था शिवरी नारायण के गाना लगभग 19-20 साल हो गए इसका और अभी कब बनना चाहिए। देखिए अब माई के दरबार में आए हम, सबरी दाई के दरबार में आए और लयिका मन के जो प्रेम दिखा थे बोला ऐसा लगा थे बहुत जल्दी गाना सबरी दाई के धाम पर राम मैं मोरू भी इच्छा है। और आप भी दुआ करो, आप भी प्रार्थना करो, आप भी आशीर्वाद दो कि माँ के काम में और राम वनगमन पथ के राम जी के भजन में मैं अपन आप भी समर्पित कर सकूँ। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। के जो अभी फूलमती गाना है वो मतलब दर्शक मतलब मैं कल्पना भी नहीं कर रहा हूँ कि आज से लगभग 28-29 साल पहले मैं सब गाना लगा रहा हूँ और आज मैं उम्र के दहलीज में हूँ, 60 पार कर गए हूँ और ये सब गाना मन 30 के दिन हूँ और आज भी लोग इतना प्यार और आशीर्वाद देते हैं तो मुला ऐसे लगते हैं कोई पिछले जन्म के कोई पुण्य या कोई तपस्या में कर रहे हूँ जेकर फल आज मिला था। इस जन्म में तो मुला याद नहीं कि मैं कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ ऐसा मुला याद नहीं, लेकिन ये जो आपकी कृपा दृष्टि होते हैं शायद पिछले जन्म की तपस्या है।